आज मैं आपको शाही आलू गोभी की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। गैस में हमने एक पैन को गरम किया है, इसमें मैं करीब 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। हमारा ऑयल हल्का सा गरम हो गया है, मैंने गैस की लो को धीमी कर दिया है। अब मैं इसमें गोभी डाल दूंगी। गोभी डालने के बाद इसको चम्मच से हल्के हाथ से चलाकर लो मीडियम फ्लेम में ढककर पकाएंगे। हमारी गोभी में थोड़ा थोड़ा रंग आना शुरू कर दिया है, इसको हम चम्मच से थोड़ा सा उलट पुलट कर हल्का ब्राउन होने तक सेक लेंगे। 2 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू है, जिसको मैं ऐसे लंबाई में काट के 4 टुकड़ा कर दूंगी। देखिए हमारी गोभी में कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम गोभी को एक साइड में करके ये जो हमने आलू काटे थे ये भी इसी में डाल देंगे, ताकि ये भी हल्के से फ्राई हो जाए। हमारी गोभी जब तक शेलो फ्राई हो रही है, तब तक हम गोभी का मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम में हमने एक पैन को गरम किया है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। हमारा पैन गरम हो गया है, इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जीरा जब हमारा चटकने लग गया तो मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया। हरा धनिया हमारा कुछ सेकंड भूनने के बाद मैंने इसमें लंबी कटी हुई अदरक के टुकड़े डाल दिए, लंबी कटी हुई हरी मिर्च को डाल दिया। हमारी हरी मिर्च और शिमला मिर्च थोड़ी सी भून गई है, अब मैं इसमें 1 टीस्पून देगी मिर्च का पाउडर डालूंगी और कुछ सेकंड भूनने के बाद इसमें 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालूंगी, 1/4 चम्मच चीनी डालूंगी, स्वादानुसार नमक डालूंगी, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच पाव भाजी मसाला, गरम मसाला पकते हुए करीब 10 से 12 सेकंड हो गई है। अब मैं इसमें 2 टमाटर कद्दूकस करा हुआ डालूंगी और इसको हम 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। हमारा मसाला भूनते हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया और हमारा मसाला देखने में अब ऐसा लग रहा है। इसमें मैं थोड़ा 2 चम्मच के आसपास पानी डालूंगी, ताकि हमारा मसाला जले नहीं, और बीच बीच में पानी डालते हुए लगातार चलाते हुए मसाले को 3 से 4 मिनट और भून लीजिए। मसाले को भूनते हुए करीब 5 मिनट हो गई है। ये मैंने 1 चम्मच खोआ इसमें डाल दिया है, ये मेरा घर का ही बनाया हुआ खोआ है। हमारे मसाले को भूनते हुए 4 से 5 मिनट और हो गई है। खोआ अच्छे से मसाले में मिक्स हो गया है, मसाले ने किनारे छोड़ दिए हैं। अब मैं इसमें करीब 1/4 कटोरी के आसपास दूध डाल दूंगी और आंच को तेज कर दूंगी और चम्मच मारते हुए दूध में उबाला आने देंगे। ये देखिए हमारा गोभी और आलू भून करके तैयार हो गया है। अब हम गैस का स्विच ऑफ कर देंगे। जब तक हमारा मसाला पककर तैयार नहीं हो जाता, तब तक हम इसको ढककर एक तरफ रख देंगे। हमारा मसाला दूध डालने के बाद पककर तैयार हो गया। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम ठीक हो गई है। अब मैं इसमें कुछ कसूरी मेथी के पत्ते हाथ से चूर कर डाल दूंगी और ये जो सब्जी हमने भून करके तैयार करी थी, ये सब्जी भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके ढककर इसको धीमी आंच में 7 से 8 मिनट पकने देंगे। सब्जी को पकते हुए करीब 5 से 7 मिनट हो गया है। ये देखिए सब्जी का रंग कितना अच्छा है, हमारी सब्जी पक कर के तैयार हो गई है। और अब मैं इसमें 1/2 चम्मच के आसपास अमचूर डाल के मिला दूंगी। स्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। ये देखिए सब कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनकर के तैयार हुई है। सब्जी को मैंने थोड़ा हरे धनिया से गार्निश कर दिया है। हमारी स्वादिष्ट शाही फ्राई गोभी की सब्जी बनकर के तैयार है। हमारी शाही आलू गोभी की सब्जी बनकर के तैयार है। अगर आपको मेरी शाही आलू गोभी की सब्जी की रेसिपी पसंद आई तो आप मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, नहीं तो मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी।